नमस्कार, बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। इतिहास में आज का दिन बेहद खास है। आज ही के दिन महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। यह दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अहम पड़ाव के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने इस दिन अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने 24 दिनों तक रोज औसतन 16 से 19 किलोमीटर पैदल यात्रा की। दांडी यात्रा से पहले बिहार के चंपारण में सत्याग्रह के दौरान भी गांधी जी बहुत पैदल चले थे। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गाँव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध में किया गया आंदोलन था। गांधी जी ने अपने 78 स्वयंसेवकों, जिनमें वेब मिलर भी एक था, के साथ साबरमती आश्रम से 358 किलोमीटर दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया। 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के दौरान सूरत, डिंडोरी, वाज, धमन के बाद नवसारी को यात्रा के आखिरी दिनों में अपना पड़ाव बनाया था। नवसारी से दांडी का फासला लगभग 13 मील का है। दुनिया के मशहूर केमिस्ट सर विलियम हेनरी पार्किन का जन्म आज के दिन 12 मार्च 1838 को इंग्लैंड में हुआ था और उन्होंने दुनिया की सबसे पहली सिंथेटिक डाई मोवाइन की खोज की थी। बताया जाता है कि पार्किन अपने एक असफल प्रयोग के बाद बीकर में पड़े गहरे रंग को साफ कर रहे थे और तभी उन्होंने जब अल्कोहल के साथ एक पदार्थ को मिक्स किया तो पदार्थ ने बैगनी रंग का निशान छोड़ दिया। इस खोज के बाद उन्होंने इसका पेटेंट कर लिया और इसके बाद उन्होंने बड़े लेवल पर इस डाई का बिजनेस शुरू कर दिया, जिसका नाम मोवाइन रखा गया। हेनरी पार्किन का जन्म 12 मार्च 1838 को हुआ था। हेनरी पार्किन ने 15 साल की उम्र में जर्मन केमिस्ट अगस्त विलहेम वॉन हॉफमैन के साथ काम करना शुरू किया था। वे कुनान की गलियों पर रिसर्च कर रहे थे और इसके जरिए मलेरिया से लड़ने की योजना थी। एक दिन ऐसी कोशिश के तहत उन्होंने एनिलाइन की खोज की और पाया कि इसे अगर अल्कोहल में मिलाया जाए तो पर्पल कलर बन जाता है। बस इस तरह उन्होंने अनजाने में ही डाई की दुनिया में क्रांति ला दी और कपड़ों को रंगने के लिए एक सस्ता और बड़े स्तर पर उपयोग में लाए जाने वाला तरीका खोज लिया। पर्पल कलर ने उनकी जिंदगी बदल दी और राजशाही में इस रंग के इस्तेमाल की वजह से उनकी कारोबारी जिंदगी भी बदल गई। अंग्रेजी रसायन यज्ञ का अमूल्य योगदान चिकित्सा और कॉस्मेटोलॉजी के क्षेत्र में हुआ। दोनों क्षेत्रों में इस और अन्य नवीन निष्कर्षों ने महान प्रभाव और समाधान उत्पन्न किए। निसंदेह पार्किन अंग्रेजी विक्टोरियन युग के सबसे उल्लेखनीय वैज्ञानिक थे और औद्योगिक क्रांति से प्रेरित वैज्ञानिक प्रगति के सबसे बड़े प्रतिपादकों में से एक थे। रासायनिक विज्ञान में उनके योगदान और काम के लिए समर्पित जीवन काल के लिए उन्होंने यूरोप और अमेरिका में कई पुरस्कार और उच्च अंतर प्राप्त किए। सुरों की मल्लिका श्रेया घोषाल का आज जन्मदिन है। आज ही के दिन साल 1984 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में उनका जन्म हुआ था, जबकि उनका पालन राजस्थान के रावतभाटा में हुआ। उन्होंने साल की 4 की उम्र में गायिका की शुरुआत की और महज 6 साल की उम्र में रावतभाटा क्लब में अपना पहला स्टेज शो किया था। साल 2002 में संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास में गाना गाया। इसके बाद बॉलीवुड में श्रेया ने एक के बाद एक कई बेहतरीन गाने गाए और कुछ ही समय में उनका नाम बॉलीवुड की टॉप गायिकाओं में शुमार हो गया। दरअसल श्रेया घोषाल को संजय लीला भंसाली ने 75वें चिल्ड्रंस डे स्पेशल शो में परफॉर्म करते हुए देखा था। श्रेया की परफॉर्मेंस से वह इतने इम्प्रेस हुए कि उन्हें फिल्म देवदास में गाने का मौका दे दिया। इस फिल्म में उन्होंने बैरी पिया, झलक झलक, डोला रे गाने गाए थे। श्रेया घोषाल ने रावतभाटा के एटॉमिक सेंट्रल स्कूल से 8वीं तक की शिक्षा हासिल की। इसके बाद श्रेया घोषाल के पिता का ट्रांसफर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हो गया, जिसके चलते श्रेया घोषाल का पूरा परिवार मुंबई में शिफ्ट हो गया। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई मुंबई से ही पूरी की। श्रेया घोषाल ने SIS कॉलेज में आज से पढ़ाई की है। श्रेया घोषाल की माँ एक अच्छी गायिका थी। अपनी माँ को गाते देख श्रेया घोषाल के मन में बचपन से ही संगीत के प्रति रुचि विकसित होने लगी। महज 4 साल की उम्र
से ही श्रेया घोषाल ने अपनी माँ से संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दी थी। श्रेया घोषाल की संगीत के प्रति रुचि को देखते हुए उनके माता पिता ने 6 साल की उम्र में श्रेया घोषाल की क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग शुरू करा दी। श्रेया घोषाल ने लगभग 18 महीने तक पद्मश्री से सम्मानित स्वर्गीय कल्याण जी भाई एवं स्वर्गीय मुक्ता भिदे जी से संगीत की शिक्षा ली है। बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।